दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक के मैसेजेस को डिलीट करने की। जी हाँ, फेसबुक के मैसेजेस को डिलीट करने की। बेसिकली फेसबुक के मैसेंजर के अंदर जो मैसेजेस होते हैं, इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं कि हम लोग उसको डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं होता। मतलब इसके अंदर ऑप्शन तो होता है, जैसे आपको देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है एक पर्टिकुलर मैसेज को डिलीट करने का, बट यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट करके सारे मैसेज को डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे सारे फेसबुक के मैसेजेस को डिलीट करना होता है, मुझे क्लीन करना होता है, उसके 50 रीज़न हो रहे होते हैं। अब मैं क्या ही रीज़न बताऊँ, आप लोग खुद समझदार हैं। तो जो भी रीज़न है अगर आपका डिलीट करने का, आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। बट दोस्तों एक शर्त है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ पूरा देखें, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं कर पाएंगे आप सारे मैसेज को डिलीट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है फेसबुक मैसेज को डिलीट करने का, वो है आपके फ़ोन के अंदर येंडेक्स ब्राउज़र होना चाहिए। दोस्तों आपको येंडेक्स ब्राउज़र डालना है और उसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक खोल सकते हैं। ओके, आप जाके फेसबुक खोल लीजिए, आपका कुछ फेसबुक ऐसा खुलेगा। ये बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन खुलेगी और आप लोग देख सकते हैं कम्प्लीटली वर्किंग एप्लीकेशन है और इसमें बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं। अब इसको मैं कैसे क्लीन करूँ, अब पॉइंट आता है मैं इसको कैसे क्लीन करूं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको एक और टैब खोलनी है और उसमें जाके लिखना है आपको फेसबुक मैसेंजर मैसेज क्लीनर। ओके, तो बेसिकली आपके पास एक फर्स्ट लिंक आएगा मैसेंजर क्लीनर करके, आपको उस पर जाना है। आप उस पर जाएंगे तो आपके सामने ये ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर यहाँ पे किसी और भाषा में लिखा होगा जिसका मतलब है ऐड टू क्रोम। तो बेसिकली आप इसको क्लिक कर दीजिए और ये आपकी एक्सटेंशन जो है ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमें मैसेज आ गया है मैसेंजर क्लीनर हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये सब कुछ आ गया है। अब हम वापस फेसबुक में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे फेसबुक पे आ गए हैं, मैसेंजर है। यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डेस्कटॉप वेबसाइट ओपन करनी है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन का ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खुल गया है। अब डेस्कटॉप वर्जन खुलने के बाद आप सोच रहे होंगे हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे m.facebook.com की जगह आपको डायरेक्टली facebook.com खोलना है। इससे क्या होगा, जो इंटरफेस आपका क्रोम ब्राउजर में खुलता है, बेसिकली आपके जो डेस्कटॉप में खुलता है, आपके पीसी में खुलता है, आपके लैपटॉप में खुलता है, वही सेम जो है आपका यहाँ पे खुल जाएगा। अब वापस आपको जाना है यहाँ पे थ्री डॉट्स पे और थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको एक्सटेंशंस वाला ऑप्शन सर्च करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंशन वाला ऑप्शन, मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैसेंजर क्लीनर पे क्लिक करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे हो गया, वीडियो तो कंप्लीट हो गया, मैं छोड़ सकता हूँ। नहीं, आप वीडियो को अभी भी देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको अभी तक नहीं समझ में आई। यहाँ पे जो डिलीट ऑल मैसेजेस वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, ये नहीं चल रहा, तो इसलिए कह रहा था आपको पूरी वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। आप नहीं कर पाएंगे अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। तो आपको यहाँ पे करना है चूज़ एंड डिलीट का ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर एक छोटा सा मैसेज आ रहा है डिलीट सिलेक्टेड मैसेजेस। तो अब हमें क्या करना है, मैं पहले यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लूँगा। चाहे तो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, अगर आपको 4, 5, 10, 15 ही करनी है तो आप उनको सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सारी डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया और वापस दोस्तों वापस यहाँ पे जो क्लिक यहाँ पे जो आ रहा था ना ऑप्शन, ग्रीन वाला जो ऑप्शन आ रहा है डिलीट सिलेक्टेड मैसेजेस, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे प्लीज वेट अ मोमेंट। तो दोस्तों आपको वेट करना है, आपको इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करना और कुछ ही देर में आपके सारे मैसेजेस यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी ट्रिक आपके फेसबुक मैसेजेस को डिलीट करने की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।